लाइफ विद आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं शम्स आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आई कैटरेक्ट के बारे में, जिसको हम आँखों का मोतियाबिंद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे मोतियाबिंद का एक ऐसा पुराना ट्रीटमेंट, पुराना इलाज, जो कि आयुर्वेद के बहुत ही पुराने शास्त्रों में जिसका बहुत ज़्यादा वर्णन है, और आज भी हमारे भारत के दूर दराज गाँव में जिसका इलाज किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे वही पुराना नुस्खा जो कि हज़ारों सालों से हमारे भारत में आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जा रहा है मोतियाबिंद के इलाज के लिए। दोस्तों, मोतियाबिंद एक किस्म का ये बटन बन जाता है हमारी आँखों के बीच में, जो हमारा लेंस है उसमें, जो कि हमें देखने में बाधा डालता है। जैसा कि आप देख सकते हो, एक आँख ठीक है और ये पिक्चर में आपको दूसरी आँख में ये सफ़ेद रंग का जो बटन दिख रहा है, यही मोतियाबिंद होता है। ये हमारे लेंस के आगे बन जाता है और ये रोशनी को दिमाग तक नहीं पहुंचने देता, जिससे कि हमें उस आँख से नहीं दिखाई देता है जिस आँख में मोतियाबिंद बना हो। तो दोस्तों, मोतियाबिंद का आज मैं आपको बहुत ही यूनिक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। तो औषधि बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पुरानी से पुरानी लाल ईंट, जिसके मकान बनाए जाते हैं। ईंट जितनी पुरानी होगी उतनी ही बहुत अच्छी रहेगी। नई ईंट को आपने इस्तेमाल नहीं करना है, पुरानी ईंटें आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस ईंट का क्या करना है। लाल ईंट को अच्छी तरह से पीस लें और इसको किसी बारीक छाननी से छान लें। ये इतना मुलायम होना चाहिए जैसे कि सुरमा होता है। तो दोस्तों, जब आपने लाल ईंट का पाउडर बना लिया, तो हमें इसमें से 10 ग्राम पाउडर चाहिए, जो कि हमने औषधि के लिए इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, लाल ईंट का पाउडर 10 ग्राम। अब आप एक डिबिया ले लें, जैसा कि ये आप देख रहे हो। इस डिबिया में आप जो हमारे पास लाल ईंट का 10 ग्राम पाउडर है, इसमें डाल दो। ये सामग्री इसमें डाल दो और ये औषधि बनाने का पहला चरण है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? मदार का रस चाहिए। दोस्तों, ये जो आप पौधा देख रहे हो, इसको मदार या द्रई आंख बोलते हैं। ये भारतवर्ष में आपको हर जगह मिल जाएगा। दोस्तों, इसको जब आप तोड़ोगे तो इसमें से सफ़ेद रंग का रस निकलता है, जिसको हम मदार का दूध बोलते हैं। दोस्तों, यही मदार का दूध इस डिबिया में डालना है। ये इतना होना चाहिए कि हमारी जो लाल ईंट का पाउडर है, ये इसमें पूरा तर हो जाए। तो दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि औषधि सूखी ना रहे। तो दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगी। अब आपको क्या करना है? औषधि बनाने का दूसरा चरण है, जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आप इसको साए में रहने दो और इसको सूखने दो। इसके ऊपर आपको ढक्कन नहीं लगाना है। तो दोस्तों, आप इसको साए में रख दो, ये खुद बहुत जल्दी सूख जाएगी। अब उसके बाद हमने और क्या करना है, मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब हमको चाहिए लौंग। जब तक हमारी औषधि सूखती है, तब तक हम आपको बताएं कि इसमें और क्या डालना है। आपको 6-7 लौंग लेने हैं और इनको भी आप अच्छी तरह से कूट लें। बिल्कुल आप इसको बारीक कर लें। ये हमारा औषधि बनाने का फाइनल चरण है।
तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से आप खर्ल कर लें। जब ये अच्छी तरह से ब्रीक हो गए, इसको भी हमने इसी डिबिया में जो हमने पहले की औषधि सूखने के लिए रखी है उसी में डालना है। आप ध्यान रखें, जब हमारी डिबिया की औषधि अच्छी तरह से सूख जाए उस वक्त आपको उसमें काले मिर्च का पाउडर डालना है, जैसा कि अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप इसमें काले मिर्च का पाउडर डालें और इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है, जैसा कि हम आपको अभी बताएंगे। तो ये हमारी औषधि तकरीबन तैयार हो गई है, आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो दोस्तों ये हमारी औषधि तैयार हो गई, अब हमें क्या करना है, इसको ढक्कन लगाकर आप बंद कर दो, आपकी दवाई तैयार है। अब हम आपको बताएंगे इस औषधि को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों ना तो आपको इस औषधि को खाना है और ना ही आपको इस औषधि को आंखों में डालना है, बस आपको ऐसे ही ढक्कन बंद करके रखना है। आपको दिन में 5-6 बार इस डिबिया का ढक्कन खोलना है और इस दवाई को सूंघना है। सूंघने के बाद फिर ढक्कन बंद कर देना है। ये आपको दिन में 5-6 बार करना है। ये आप तब तक करोगे जब तक कि आपका मोतियाबिंद ठीक नहीं हो जाता। तो दोस्तों ये था हमारा आज का विषय। ये बहुत ही यूनिक नुस्खा है और बहुत ही उपयोगी है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी रोज़ किसी और विषय पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।